खटक साहब, ये जो मुआहदा जो 26 तारीख को हुआ और इसके जिस जिन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं, ब्रिगेडियर साद साहब ने भी कहा कि ये एक शर्मनाक एक मुआहदा है और हथियार डालने वाला है, तो इस पर जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं रियासत की तरफ से, तो उनको नज़र नहीं आया कि ये हम क्या शर्मनाक मुआहदा करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई भी ऐसा आदमी है जो जिसको आप कह सकते हैं कि नासमझ है या अभी बहुत कुछ सीखना है। इंटीरियर मिनिस्टर है, एक मेजर जनरल है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने बातें की उसके आखिरी पार्ट से आई एम वेरी अग्रीबल टू दैट कि नहीं होना चाहिए था, चाहे जो कुछ मर्जी होता, ठीक है, क्योंकि यू सेट अ प्रेसिडेंस के जो जैसे इन्होंने कहा कि इतने लोग ले आए हैं जो कुछ मर्जी कर लें। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें देखें दो बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के दस्तखत हैं, एक अ मैन हु इज इन चार्ज ऑफ इंटीरियर इंटरनल मैटर्स इन पाकिस्तान, सब कुछ का इंचार्ज है, और मैं हमने खुद अंदर से देखा हुआ है कि अगर इस जगह पे आप स्ट्रॉन्ग हो ये वो तो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर तक बात भी नहीं जाती। और जो दूसरी चीज़ है कि देखें अभी इस पर बहुत डिबेट हुआ कि जनरल साहब जो हैं इन्होंने एक सालिसी कहते क्या मतलब आर्बिट्रेटर के तौर पर दस्तखत किया है, बट नहीं, यू सी द आर्मी एंड द सिविल गवर्नमेंट दे आर नॉट टू एंटिटीज, ये दो एंटिटीज नहीं है, एक एंटिटी है। दोनों को इस वक्त सोचना चाहिए था, वही चीज़ जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, जनरल साहब को कहना चाहिए था कि मैं इसमें आर्बिट्रेटर कैसे बनूँ, दिस इज़ लाइक सरेंडरिंग द स्टेट, सरेंडरिंग टू समबडी। इंटीरियर मिनिस्टर भी शायद यही कुछ कहते हैं। देखें बात सही है कि विद सो मेनी पीपल एंड ऑल दैट, ये कि इस डर से कि जी ये कुछ होगा वो होगा, तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल, अब पहले तो निप इन द बड अगर आप नहीं कर सके किसी वजह से, जी जी, फिर इन द एंड आई थिंक ऑल दीज पीपल शुड हैव थॉट कि ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान, और फिर दोनों मिलिट्री एंड सिविल मिलकर एक रास्ता तय करते, वो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होता।